चेयरमैन नैब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवामी ओहदा रखने वालों से मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाजे कर दिया, कहते हैं रुकने असेंबली, सेनेटर या किसी अवामी ओहदा रखने वाले से पूछने का हक है। कुछ लोग मुल्क से क्यों भागे, उनको मालूम हो गया था कि अब कोई राह फरार नहीं। अगर नैब के पास सबूत ना होते तो लोग बाहर ना भाग कर जाते। चेयरमैन नैब ने कहा कुछ लोग आर्जी तौर पर बाहर आते हैं तो उन पर गुलपाशी की जाती है। नैब गिरफ्तार करता है तो असेंबली और कायमा कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है। सारा दिन इजलास चलता है और रात को सवाल पूछने पर कहा जाता है नींद आ रही है। सिफारिश के बावजूद हुकूमत ने नाम ECL में नहीं डाले और आज वो लोग मुल्क से फरार हैं। जमहूरियत एहतसाब से नहीं, आमाल से खतरे में आती है।